तुम कहाँ चल रही सुबह सुबह? कोचिंग क्लास जा रही हूँ, एग्जाम आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं कमा रहा हूँ, पैसे कम पड़ेंगे तो मैं गोलगप्पे का ठेला लगा लूंगा, मोमोज बेच लूंगा, पर तुमको अब और नहीं पढ़ा सकता। कहीं पढ़ लिख कर तुम भी SDM बन गई तो मेरा क्या होगा? परिवार का देखभाल करो। तो फ्रेंड्स, आपने अभी वीडियो देखा फनी वाला। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि सब एक से नहीं होते, सबकी सोच एक सी नहीं होती। तो प्लीज़, जो भी आपकी वाइफ लोग जो भी पढ़ाई के लिए आगे हैं और कुछ बनना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनका साथ दीजिए। आप एक एग्जाम्पल देखकर आप सबके साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए। बहुत से केसेस ऐसे सुनने को मिल रहे हैं कि सब ने अपनी अपनी वाइफ की पढ़ाई छुड़ा दी। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उनके मोबाइल देख लीजिए, लेकिन आप उनकी पढ़ाई मत छुड़वाइए, क्योंकि सब एक से नहीं होते हैं। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक बुरे इंसान के चक्कर में जो चार अच्छे इंसान हैं उन लोगों के ऊपर भी बीते। तो आप लोग प्लीज़ बुद्धिमानी से काम लेना और अपनी वाइफ का फुल सपोर्ट करना। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसे हों, कुछ लोग मेहनत से आगे बढ़ते हैं, अपनी फैमिली को भी देखते हैं। और प्लीज़ आप अपनी पत्नी का साथ दीजिए। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे सारी वीडियोस मेरी आप तक पहुँचेगी। ओके, बाय बाय। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने भी एक्चुअली शादी के बाद ही पढ़ाई की थी, BA सब मैंने शादी के बाद ही किया है। तो मैं वो दर्द समझती हूँ कि ससुराल में रह के पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। आपको काम भी देखना होता है और पढ़ाई भी करनी होती है, बहुत कुछ करने का जज्बा होता है आपके मन में, और जब आपके सपनों को तोड़ दिया जाए तो कैसा फील होता है। तो मेरे को सबने साथ दिया, मुझे आगे पढ़ाया लिखाया, सबने मेरा फुल सपोर्ट किया है। और जिनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है तो बहुत उनको दुख होता है। तो आप लोग सही और गलत को पहचानें प्लीज़, और जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं उनका साथ दें। ओके, बाय बाय।